हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज जितने भी आइडियल के स्टूडेंट थे उन सभी को इंतजार था कि आइडियल हमारा गूगल फॉर्म कब हमें देगा और हम अपने डिटेल कब उसमें डाल पाएंगे कि हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल से एग्जाम देने वाले हैं, हम मुंबई में है कि गाँव में है, कहाँ है, वो हर डिटेल आप काफी टाइम से मेरे से पूछ रहे थे। तो आपको बता दूं गुड न्यूज के साथ कि आइडियल ने दे दिया है, आइडियल ने एग्जामिनेशन के रिलेटेड गूगल फॉर्म इशू कर दिया है और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पुट करना है जो मैं आपको बता दूं। और कॉलेज वालों से काफी डिफरेंट है आप लोगों का गूगल फॉर्म, तो क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों, पहले इधर आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जो वैलिड ईमेल एड्रेस होगा, जो चालू होगा, आपको वही डालना है, बिकॉज उसमें सब आपके डिटेल आने वाले। सेकेंड में आपको आपका नाम डालना है, वो भी नाम फुल नेम, मतलब कि अगर जैसे कि मेरा नाम सूरज है तो मैं सूरज पटेल, मेरा नाम और सरनेम नहीं डालूंगा, मेरे फादर का भी नाम उसमें इंक्लूड करूंगा, फुल नेम सूरज श्रीकुमार पटेल, इस तरीके से आपको डालना है। देन आपको आपके आइडल के तरफ से एप्लीकेशन आईडी मिली है, वो आपको इधर पुट करना है, जो आपका आईडी नंबर है। देन आपको स्टूडेंट कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप फ्रेशर हो या रिपीटर स्टूडेंट हो, जो आप हो गए आप वो सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, आप फ्रेशर हो कि रिपीटर हो, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो कि आपने पहले भी दिया हुआ है। देन आप कौन से प्रोग्राम के हो स्टूडेंट हो, बीए, बीकॉम, बीएससी और नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, तो आप जो भी हो एफवाई, एसवाई, टीवाई, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को भरना है, एफवाई, एसवाई, टीवाई, सभी आइडियल के स्टूडेंट को ये भरना है, क्योंकि एफवाई, एसवाई वालों का भी आगे चल के एग्जाम होने वाला है, ठीक है, आप जो भी कैटेगरी में आते हैं आपको दोस्तों वो फील करना है। देन अगर आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन के कैटेगरी, देखो इन्होंने पूरा आइडियल ने मेंशन किया, अंडर ग्रेजुएशन के भी उन्होंने मेंशन किया, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है मतलब एमए के स्टूडेंट हो, एमकॉम के स्टूडेंट हो, एमएससी आईटी के हो, एमएससी सीएस के हो, एमएससी मैक्स के हो, अपना फिर नीचे एमए एजुकेशन के हो, तो आप जिसके हो पार्ट वन पार्ट टू वो आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों इधर। तो काफी अच्छे से और डिटेलिंग के साथ उन्होंने ये पूरा दिया हुआ है। देन उसके बाद इधर दिया हुआ है प्रोग्राम कैटेगरी अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सेमिस्टर पैटर्न, आप सेमिस्टर पैटर्न के अगर स्टूडेंट हो, देखिए आइडियल में अपना ईयर बेस पे एग्जाम होता है और कुछ जगह सेमिस्टर पैटर्न भी उन्होंने एप्लीकेबल किया हुआ है, तो अगर आप आइडियल के स्टूडेंट हो और सेमिस्टर पैटर्न के एग्जाम अटेंड करते हो तो आप मतलब बीएससी आईटी के स्टूडेंट हो, एमसीए के स्टूडेंट हो, पीजी के स्टूडेंट हो, तो जो आप स्टूडेंट हो आपको कौन से सेमिस्टर का एग्जाम है वो आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों इधर। देन और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ गलती मत करना, करंट कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सअप, ठीक है, आपको इधर कॉलिंग नंबर नहीं देना, आपको इधर व्हाट्सअप नंबर देना, क्योंकि हर किसी के पास दो नंबर होते हैं, एक पे जिससे वो कॉल करता है और एक पे व्हाट्सअप चालू करता है, तो इधर आपको व्हाट्सअप वाला देना है, कॉलिंग नंबर नहीं देना है, ठीक है, अगर वो आपका दोनों हो तो वेल एंड गुड। और नीचे जो है दोस्तों आपको अपने पेरेंट्स का वैलिड नंबर देना है, गलती से भी दोनों जगह आप अपना ही नंबर मत डालिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा इधर एक आप अपना नंबर डालिए तो इधर अपने पेरेंट्स का डालिए, क्योंकि आपके पास अगर एक मोबाइल है दोनों नंबर उसी में है तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फोन बंद हो जाए, उस पर अपडेट ना आ पाए तो आपके मम्मी पापा तक पहुंच जाएगा और उससे आपको हेल्प हो जाएगी काफी ज्यादा। देन उसके बाद दोस्तों ये जो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है कि इसमें पूछा हुआ है कि आपके पास क्या क्या है और आपके पास क्या क्या नहीं है, स्मार्टफोन है आई थिंक सभी के पास होगा तो यस पे क्लिक करना है, लैपटॉप है तो यस करो, नहीं है तो नो कर दो, ठीक है, मतलब कि आप किससे एग्जाम देना चाहते हो, मेन रीजन ये है कि आप एग्जाम जिससे देना चाहते हो आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए, अगर आपके पास जो चीज है, अगर फोन है तो फोन से आप एग्जाम देना तो यस कर दो, लैपटॉप है तो लैपटॉप को सिलेक्ट करो, डेस्कटॉप या कोई और अल्टरनेटिव आप उसे सिलेक्ट कर दो, अगर कुछ भी नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके लिए आइडियल फिर कुछ अर्ज करेगा, आइडियल किसी तरीके से ऑनलाइन या तो बाद में ऑफलाइन ले ले, वो आइडियल के ऊपर डिपेंड करता है, वो बाद में आप लोगों के लिए एग्जाम कंडक्ट तो जरूर करेगा, ठीक है। देन उसके बाद योर करंट लोकेशन डिटेल इन अदर ऑर्डर, ठीक है, आप सिटी में हो, टाउन में हो, विलेज में, आप कहाँ हो, आपका जो करंट लोकेशन, आप जहां रहते हो आपको ये लोकेशन इधर मेंशन करना होगा। देन दोस्तों उसके नीचे आते हैं, अच्छा अगर आप गांव चले गए हो, इफ यू आर आउट ऑफ टाउन, अगर आप गांव गए हो या कहीं विलेज अपने चले गए हो अभी तक आए नहीं हो तो when are you come back, आप कब तक आने वाले वो आपको इधर mention करना होगा। अच्छा अब देन उसके बाद ये important point है, अगर कोई अपना handicap student है या कुछ है तो वो इधर select कर दे,
फिजिकल अगर किसी को डिसऑर्डर है, देन उसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को एटीकेटी है लॉ एग्जामिनेशन में, अगर आपको कोई भी केटी है तो आप इधर जरूर वो कैटेगरी मेंशन कीजिए, आप आइडियल यूनिवर्सिटी को बताइए कि मुझे ये केटी है। तो दोस्तों ये था, ये आप करने के बाद सबमिट कर देना। अच्छा, सबमिट करने के बाद ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक होने के बाद आप कंफ्यूज मत होना कि मेरा सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सबमिट हो जाएगा, दोबारा उसे भरने की कोशिश मत करना। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ ज्यादा ही डाउट है तो ही ट्राई करना, अदरवाइज सेकेंड टाइम तो इसको मत करना। अगर आपने सब डिटेल भरा है प्रॉपर से तो वो सबमिट हो जाता है, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों कि ये जो पूरा मैंने इधर आपको फील करके बताया ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना प्रोग्राम प्रॉपर सिलेक्ट करना, आप अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपको केटी है कि नहीं वो सिलेक्ट करना, साथ ही साथ आपका जो भी ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर है वो सही देना, आप करंट इस समय किधर रहते हो वो प्रॉपर बताना, और अपना नाम और आईडी तो गलती से भी गलत मत फील करना। तो आई होप दोस्तों कि सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा आइडियल स्टूडेंट को शेयर करना, बस आपसे मैं यही हेल्प चाहूंगा, बिकॉज आपके शेयरिंग से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके सब्सक्राइबर आपके वीडियो को लाइक करने से ही मुझे अच्छा लगता है और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज यार इस तरीके से मेरी हेल्प जरूर करना। थैंक यू सो मच, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।